हेलो मॉमीज एंड बेबीज, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल अर्चना डायरीज। सो मॉमीज, आज बात करेंगे छोटे बच्चे जो 0 to 6 months के बीच में आते हैं उनमें होने वाले पेट दर्द के बारे में, या उनमें जो पेट में गैस की वजह से उन्हें दर्द होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या ऐसी सिम्टम्स हैं जिसे अगर हम देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए या समझना चाहिए कि बच्चे में गैस का दर्द है या उसके पेट में दर्द है या बच्चा कॉलिक हो रहा है। कॉलिक इन द सेंस कि जब भी कभी आपको, जो मैं आगे आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी या पैटर्न्स बताऊंगी, वो देखें तो आपको ये समझना होगा कि बच्चा कॉलिक हो रहा है, बच्चे में पेट का दर्द है, गैस का दर्द है। पहला जो सिम्टम है वो ये है कि अगर बच्चा नॉर्मल से ज़्यादा रो रहा है, अगर उसे रोते हुए 1 या 2 घंटे हो गए हैं और उसका रोने का तरीका भी आपको अलग दिख रहा है, काफ़ी तेज़ रो रहा है, तो ये हमारा पहला सिम्टम है कि बच्चे में पेट का दर्द है, गैस का दर्द है। दूसरा, अगर बच्चा रोते समय काफ़ी मूवमेंट्स भी कर रहा है, उलट पलट रहा है अपनी बॉडी को, या फिर दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो ज़्यादा रो रहा है, जैसे कि बेसिकली नून टाइम पे, यानी कि आफ्टरनून टाइम पे या इवनिंग टाइम पे, क्योंकि बेसिकली बच्चा सुबह से शाम तक सिर्फ दूध पर है, तो सुबह से अगर उसने दूध पी रखा है तो नॉर्मल है कि वो दोपहर तक या शाम तक उसमें गैस ज़्यादा फॉर्म हो जाएगी और वो उसकी वजह से परेशान होकर रोना शुरू कर देंगे। और जो दूसरे साइंस हैं वो है उनका चेहरा लाल पड़ जाना, यानी कि रेड फेस हो जाना, या वो बार बार बर्प कर रहे हों, डकार ले रहे हों, या फिर आप उनके पेट को टच करके देख सकते हो, अगर वो उसमें थोड़ा टाइटनेस ज़्यादा दिखे या पेट टाइट या फूला हुआ सा फील हो, तो आपको समझना होगा कि ये गैस का पेन है और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे एक्शन लेना शुरू करना होगा। अब बात करते हैं उन कुछ कारणों की जिसकी वजह से बच्चों में ये कॉलिक की सिचुएशन बन जाती है। तो जो पहला कारण है वो है उनका इमैच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वो अभी पैदा हुए हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है जो वो दूध को भी पूरी तरीके से पचा ले, इसलिए उनमें ये पेट दर्द, गैस पेन या कॉलिक की कंडीशन हो सकती है। दूसरा कारण है लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिसकी वजह से बच्चा ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी एलर्जिक हो सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है, जब बच्चा दूध पी रहा होता है, मदर्स का फीड ले रहा होता है या बॉटल से फीड कर रहा होता है, तो कुछ एयर्स उनके मुंह के थ्रू उनके टमी में या पेट में जाती है, वहाँ जाके वो एयर बबल या गैस बबल फॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से भी बच्चों में पेट का दर्द होता है। नेक्स्ट जो रीज़न हो सकता है वो है मदर्स की डाइट और उनका लाइफ स्टाइल। अगर मदर की डाइट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है या कुछ भी ऐसा मदर खा लें जिसकी वजह से गैस फॉर्म होती है, तो वो बच्चे के पेट में भी गैस फॉर्म करेगी। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, वो किसी भी फिजिकल टेंशन को या स्ट्रेस को या साउंड के थ्रू या कोई भी चीज़ जो उनके आसपास है उससे वो ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और वो कॉलिक कंडीशन बना लेते हैं, वो ज़्यादा रोते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इम्बैलेंस ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया। कभी कभी पेट के अंदर भी कुछ जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्वांटिटी बैड बैक्टीरिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो जाती है, इसीलिए बच्चों में ये पेट दर्द, गैस का फॉर्म होना या कॉलिक कंडीशन बन जाती है। बच्चों की डेली रूटीन में अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें और उसे ठीक से फॉलो करें तो बच्चों में ये गैस फॉर्मेशन, कॉलिक पेन या फिर पेट में दर्द होने की जो प्रॉब्लम है उसे हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि जब भी मदर्स बच्चे को फीड कराएं, चाहे वो बॉटल से हो या मदर या ब्रेस्ट फीड हो, उसके तुरंत बाद बच्चे को बर्प कराना यानी कि डकार दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम बच्चे को डकार नहीं दिलाएंगे तो जो एयर बबल्स उसके फूड पाइप में या पेट में बन गई है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घूमती रहेगी और बच्चे के टमी में या उसके फूड पाइप में प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा अनकंफर्टेबल फील करेगा और उसे पेट में दर्द हो सकता है। लेकिन बर्प दिलाने के बाद या डकार दिलाने के बाद बच्चे में वो गैस बाहर आ जाती है माउथ के थ्रू और उसके बाद बच्चा काफ़ी रिलैक्स फील करता है और अच्छे से सो भी जाता है। तो मदर्स, आपको बच्चे को आफ्टर एवरी फीड उसको डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है।
दूसरी चीज है नी बेंडिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि हम बच्चे को एक छोटी सी एक्सरसाइज कराते हैं, उसके दोनों घुटनों को मोड़कर पेट तक ले जाते हैं, हल्का सा प्रेशर डालते हैं पेट पे बहुत आराम से, जिससे कि बच्चा गैस रिलीज कर देता है और काफ़ी रिलैक्स फील करता है। दूसरी चीज़ है फुल बॉडी मसाज, जो हमें डेली बेसिस पे बच्चों को करना चाहिए, हो सके तो दिन में दो बार करना चाहिए। अगर कॉलिक की कंडीशन है तो उस टाइम पे हमें पेट पे काफ़ी अच्छा सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करना चाहिए, उससे भी बच्चे में गैस रिलीज हो जाती है और बच्चे को काफ़ी आराम पड़ जाता है। नेक्स्ट है वॉर्म कॉम्प्रेशंस अप्लाई करना, जिसमें कि हम एक सॉफ्ट क्लॉथ को थोड़े से गुनगुने पानी में डुबोकर निचोड़कर उसे बच्चे के पेट पर रखते हैं, उससे भी बच्चों को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। और नेक्स्ट हम उन्हें वार्म बाथ भी दे सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी में उन्हें नहला सकते हैं, उससे भी उनकी बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है और पेट में आराम मिलता है। नेक्स्ट जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है टमी टाइम। टमी टाइम आपको सबको पता होगा कि जब बच्चे में गर्दन संभालना सीख जाता है बच्चा, तब हम उसे अपने हाथों पे या बेड पे पेट के बल, यानी कि उसका पेट नीचे और पीठ ऊपर करके उसे रख सकते हैं। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट आप पूरे दिन में कर सकते हो ये, इससे भी बच्चों में गैस रिलीज हो जाती है और काफ़ी बच्चों में आराम पड़ता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बच्चों पे पेट पे दबाव पड़ता है और उनसे कहीं ना कहीं उनका गैस रिलीज भी हो जाता है। नेक्स्ट आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि आप थोड़ा सा हींग हल्के गुनगुने पानी में घोल सकते हो और जब वो अच्छे से घुल जाए तो उस पानी को आप नाभि के आसपास स्प्रेड कर सकते हो, लगा सकते हो, जिसकी वजह से बच्चों में गैस रिलीज हो जाती है और बच्चों को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी बच्चे को रिलीफ ना मिले तो हमें बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर्स भी मोस्टली जो सबसे सेफ मेडिसिंस होती हैं, जैसे कि ग्राइप वाटर या जो दूसरी मेडिसिन है कॉलिक एड ड्रॉप्स, वही प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये दोनों मेडिकेशंस डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिए और जितने भी डोजेस डॉक्टर ने बताए हैं उतना ही डोज आपको बच्चे को देना है। अपने तरफ से बिल्कुल भी ये मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करनी है, आपको डॉक्टर को दिखा के और फिर इसका इस्तेमाल करना है। वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।